मेरा जोकर। किस्मत ने भी क्या कनेक्शन जोड़ा है, मतलब तुम नर्स हो और मैं बीमार। आई लव यू। में दर्द हो रहा होगा, अभिमन्यु एक्सक्यूज मी, अभिमन्यु तुम ठीक हो ना? लगता है मेरा सर फट जाएगा। इतनी शॉक थेरेपी लेने के बाद तुम्हें अपने सर से क्या उम्मीद थी? दवाई खाओ, बेटर फील करोगे। पर तुम? लेकिन थैंक गॉड सिर्फ सर में दर्द है। मुझे डर लग रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे शॉक ट्रीटमेंट के। एक बात बताओ, क्या जरूरत थी वो लास्ट वाला शॉक थेरेपी लेने की? एक मिनट, क्या बोला तुमने? शॉक? कैसे साइड इफेक्ट्स? डॉक्टर शर्मा ने बताया होगा ना शॉक ट्रीटमेंट के कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, कितना रिस्क होता है। पर हो माय बैड, मेरी गलती है अभिमन्यु, तुमने तो ध्यान दिया नहीं होगा, तुम्हें तो किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता, तुम कितने केयरलेस हो अभिमन्यु। अब तुम आराम से दवाई खाओ, ठीक है, बेटर फील करोगे। एक सेकेंड, हटो तुम, हट जाओ बिल्कुल। अभिमन्यु कहाँ जा रहे हो, बैठो यहाँ पर तुम। अरे तुम कौन हो? क्या मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अब मुझसे मजाक, ऐसी हालत में भी तुम नहीं सुधरोगे अभिमन्यु। पता है तुमने कितनी जोर की मुझे धक्का मारा है, मुझे चोट भी लगी है, तुम्हें फिक्र नहीं है कुछ भी मेरी। फिक्र? तुम हो कौन जिसकी मैं फिक्र करूं? हाँ, मैं यहां पर लखनऊ में आया कैसे? मुझे अच्छे से याद है, मैं मुंबई में था और बहुत जोर से बारिश हो रही थी, मैं अपने लिए होटल ढूंढ रहा था और उसके बाद क्या, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कुछ? मैं यहाँ पर, मुझे कौन लाया यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्यों हो तुम यहाँ पर? मेरी माँ कहाँ पर है? माँ, माँ कहाँ है मेरी? माँ नीचे सबके साथ, सब ठीक है अभिमन्यु, तुम शांत हो जाओ, ज्यादा जोर मत दो अपने दिमाग पर, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस? मुझे कुछ याद नहीं हो, तुम स्ट्रेस की बात कर रही हो? तुम्हें मैं भी याद नहीं,
करके दूं कागज पर मोहतरमा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? अरे मेरे गले मत पड़ो तुम प्लीज। मेरी माँ कहाँ पर है मुझे बताओ। अभी मरियो, मेरी बात मानने की कोशिश करो, सब याद आ जाएगा। तुम ना, हो सकता है तुम पूरे दिन बेहोश थे ना, इसलिए ये सब हो रहा हो। तुम दवाई ले लो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या पागल हो गई हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे बार बार टच कर रही हो, मुझे मेरी माँ से बात कर रही है। माँ माँ क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? उसके ब्रेन में ग्रे मैटर थिनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इसीलिए अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। शॉक ट्रीटमेंट के अलावा जो भी ऑप्शंस थे उनका इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, शॉक ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये मोच होते आ जाएगी इस उम्र में, मत करो। अरे उम्र होगा आपका, हम तो सदा बाहर बालू साहिब है। आइए। अरे नहीं आ। माँ आ। कल तक मैं मुंबई में था, आज लखनऊ पहुंच गया। ये लड़की कौन है मेरे रूम में? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा सर। माँ कर रही थी फुल स्टाफ। मुझे माँ से बात करनी है, एक सेकंड। अरे अभिमन्यु कैसे हो तुम? जानते हो कितना मन्नत मांगे कि तुम सही सलामत घर आ जाओ, कितना कमजोर हो गए देखो तो जरा। माँ कहाँ कमजोर हुआ है, अरे बहुत बड़ा जंग जीत का है हमारा बाहुबली। अरे मामा एक सेकंड, मुझे माँ से बात करने दो प्लीज। एक सेकंड चुप, कोई बात नहीं करेगा। Congratulations, Mrs. Niyati Abhimanyu Pandey. कौना हो गया ना, बन गई अभिमन्यु की पत्नी। अब क्या, अपनी खुशी बांटने के लिए कॉल किया है? आनंद प्लीज मेरी बात सुनो। हम थोड़ी देर पहले लखनऊ पहुंचे हैं और अभी अभी अभिमन्यु को होश आया है और उसे कुछ भी याद नहीं, उसे मैं भी याद नहीं। We'll be right back.
आनंद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है अभिमन्यु ने जो लगातार शॉक ट्रीटमेंट लिए हैं ये उसी की वजह से हो रहा हो। नियति, यू आर अमेजिंग। आई मीन, तुमने मेरे साथ अभी जो भी किया उसके बाद भी यू कॉल्ड मी, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डॉक्टर होना हिपोक्रेटिक ओथ ली है मैंने। मरीजों को मदद मना नहीं कर सकता। तो एज पर माय ओपिनियन अभी मन्यू की कंडीशन सिलेक्टिव अमनीशा की लग रही है और ये शॉक थेरेपी का साइड इफेक्ट आई थिंक। तुम्हारी शादी का गम कंटिन्यूस सहन करना उसके थ्रेशहोल्ड से बाहर हो गया होगा, इसलिए उसे पार्शल मेमोरी लॉस हुआ है। विच मींस उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज तो उसे याद होंगी, बट शॉर्ट टर्म मेमोरीज या पेनफुल मेमोरीज वो भूल गया होगा। अब क्या होगा आनंद? मैं क्या बताऊं नियति, कर्मा में भी जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया वही अभिमन्यु तुमको भूल गया है। कितना कमजोर किस्मत कनेक्शन निकला तुम दोनों का। मुन्ना, क्या क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? माँ, एक सेकंड। कल तक मैं मुंबई में था और आज यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? कौन लाया मुझे यहाँ पर? मुन्ना, हाँ हम लोग लेकर आए हैं बेटा तुझे। आप लोग लेकर के? पर मैंने मना किया था ना, मुझे वापस नहीं आना है। फिर आप लोग क्यों लेके आए और इतने बड़े शहर में आपने मुझे ढूंढा कैसे? मम, मेरे कमरे में एक लड़की है दुल्हन के कपड़ों के अंदर है, वो क्या कर रही है मेरे रूम में? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? ये घर पूरा सजा हुआ है बिल्कुल जैसे वो दुल्हन के कपड़ों में है, शादी वाला माहौल आप सबके, ये क्या चल रहा है मुझे कोई बताएगा? ये कैसा सवाल पूछ रहा है मुन्ना? कैसा सवाल पूछ रहा है? माँ पता है अभी उसने ना मुझे दवाई देने की कोशिश की और मुझसे बोला कि तुम बेटर फील करोगे। उसे कैसे पता मेरी बीमारी के बारे में? और वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई मेरा उसके साथ कोई रिश्ता हो। बेटा वो चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ तू उसे नहीं पहचानता? माँ कैसे पहचानूंगा, मैंने कभी देखा ही नहीं उसे। जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया वही अभिमन्यु तुमको भूल गया है। कितना कमजोर किस्मत कनेक्शन निकला तुम दोनों का। हेलो नियति। नियति, आई नो तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। क्या है ना, अभी भी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है नियति। वो क्या है ना, प्यार जो करता हूं तुमसे इतना, मतलब तुम कैसे शादी निभाओगी उस अभिमन्यु से जो तुमको भूल गया है। एनीवे, ऑल द बेस्ट। क्या बात कर रहे हो आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अन्यु बेटा, कौन है वो लड़की? ऐसा नहीं कहते मुन्ना, तू जानता है उसे बेटा। मैं जानता हूँ उसे। हाँ। तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है माँ, मेरा सर फट जाएगा।
आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? आप सब कोई बड़ी बात हो गई क्या? मैं मेरी बीमारी बढ़ गई है क्या? मैं इसीलिए तो घर से भागा था। मैंने करण भैया को जान से मारने की कोशिश की थी। वो लड़की भी कोई ट्रीटमेंट की बात कर रही थी। कौन है वो लड़की और क्या कर रही है यहाँ पर? मां क्यों लाए मुझे बताइए ना प्लीज, क्यों लाए आप मुझे यहाँ पर? अरे आप सब शांत क्यों खड़े? कोई बताएगा मुझे कौन है वो और क्या कर रही है इस घर में? वो नियति है। नियति, तेरी नियति अभी बनी बेटा, कैसे भूल सकता है तू उसे? कौन नियति? मुझे याद नहीं कोई भी नियति। और ऐसा क्या खास है उसमें? हाँ, और क्या कर रही है मेरे घर में? मैं किसी नियति को नहीं जानता। मैं नहीं जानता उस लड़की को। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कौन वो लड़की? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अभिनव, कौन है वो लड़की? कोई मुझे बताएगा? पांडे अभिमन्यु, तुम बताओ। मोहम्मद, तुम इधर आओ। तुम जानते हो उसे कौन है वो? तुम लेके आई मुन्ना। बोल रहा है मुन्ना, छोड़ छोड़ उसे। मनोरमा जी, आप ठीक? ये क्या बात करने का तरीका है? जी तो सरवन, अब मन्ना रुको रुको भाई, शांत हो जाओ। थोड़ा मेरी बात सुन। कौन है वो लड़की? कौन है वो लड़की? क्या सोचा था? क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरे मुन्ना को? अमनु, अमनु शांत हो जा भाई, मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है। कौन है वो लड़की? मैं बताता हूँ कौन है वो। सुन, कौन है वो? पत्नी है वो तेरी। पत्नी? हाँ। कैसी पत्नी? कौन सी पत्नी? शादी कभी मेरी, मैं उसे जानता तक नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। कैसे हो गई मेरी पत्नी? झूठे है सब। हटो, सब झूठे हैं ये, सब झूठ। कौन सी पत्नी? मेरी बात सुन। कैसी पत्नी? कुछ भी झूठ नहीं है, ये सब सच है। झूठ है? अरे नियति पत्नी है तेरी, इस घर की बहू है वो। मैं जानता तक नहीं उसको। तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सारे संबंधों को तोड़कर जिसके साथ जा रही है ना तू, एक दिन उसी से परेशान होकर वापस लौटकर यहां पर आएगी। बचपन में शादी होगी थी तुम दोनों की। झूठे सब। सुन मेरी बात, पिछले दो महीने से वही तेरा ख्याल रख रही है। सिर्फ तेरे लिए उसने अपना काम, अपने माँ बाप, यहां तक कि अपना सारा जीवन दांव में लगा दिया। सब कुछ छोड़ के चली आई यहां पर तेरी खातिर। और तू कह रहा कि ये सब झूठ है? तू कैसे भूल सकता है उस नियति को जिसने सारी दुनिया के खिलाफ जाकर तेरा हाथ थामा, तुझे अपनाया? मुझे क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ? मुझे नहीं रहना यहां पर। मनु, मुझे नहीं रहना उस लड़की के साथ। पीछे हटो, तुम मेरे पास मत आना। पीछे हटो मुझसे। अभिमन्यु,
मैं याद दिलाती हूँ।